मोदी जी जो है वोट फॉर इंडिया भाषण आप सब लोगों ने सुना होगा मोदी जी का, वोट फॉर इंडिया वोट फॉर इंडिया। आप काहे का डर है भाई? इंडिया नाम से ये डरे हुए क्यों? ये साफ यही ना दिखाता है कि मोदी जी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। अब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पासपोर्ट पे देखिएगा तो इंडिया का जिक्र है, पासपोर्ट पे, आधार कार्ड पे, हर जगह जो है इंडिया का नाम है। जो संविधान का जो किताब है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हिंदी में जो है भारत है। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी को अगर इंडिया नाम से आपत्ति है तो भारत नाम से भी आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि हमारे नारे में ही है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। यानी ये पूरी तरीके से साफ हो गया है कि ये लोग डरे हुए हैं। कुछ दिन पहले तक वोट फॉर इंडिया बोलते थे, अब जो है इंडिया का नाम छुपा करके भारत लिख रहे हैं। लेकिन भारत इंडिया में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। बस एक अंग्रेजी में एक हिंदी में, इसमें तो कोई अलग बात तो है नहीं। संविधान में देखिएगा तो भारत लिखा है, हम भारत के लोग, और इंग्लिश में जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो पूरी तरीके से घबराहट में ये लोग निर्णय ले रहे हैं। और कहां कहां से हटाएंगे? ये जो नया जहाज जो किने हैं प्रधानमंत्री, उसमें भी इंडिया बड़ा बड़ा लिखा होगा। हर स्कीम से हटाना पड़ेगा नाम, कहां, हर मिनिस्ट्री से कितना खर्चा कराएंगे? इतना में तो एक अलग राज्य का जो है खर्चा जो है वो बन जाएगा, एक राज्य का खर्चा पूरा बजट जो है निकल जाएगा, जितना ही नाम बदलने में खर्चा करवाएंगे। कितना लाखों करोड़ों गरीबों को फायदा हो, और पहले भी जितना स्कीम था मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया बोलते थे, स्टार्टअप इंडिया, शाइनिंग इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इस सब का क्या होगा फिर? अमित शाह 300 साल का 365 दिन भी अगर अमित शाह बिहार रहे तो भी हम लोगों को कुछ नहीं।